हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आए हुए दो दिन हो गए सूरत के अंदर। तो आज हम जा रहे हैं अंबाजी, बता कही आ रहा है। तो आज हम लोग दोस्तों जा रहे हैं अंबाजी टेंपल, जो सूरत के सबसे टॉप मंदिर है। आ इधर आ मेरे साथ, मिलते हैं वहीं पर। फेमस मंदिर में जा रहे हैं, अंबाजी माता का मंदिर है वो। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अंबा माता के वहाँ, और ये यहाँ पर है श्याम टेंपल, श्री श्याम टेंपल। खाटू श्याम जी का मंदिर है सूरत के अंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसके अंदर नहीं गए अभी, क्योंकि हम वापस आएंगे तब जाएंगे। और देखो, बहुत ही अच्छा नज़ारा है बिल्डिंगों का यार। फ्लैट बहुत ज़ोरदार है यहाँ पर सूरत के अंदर। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि यहाँ फ्लैट बहुत ऊँचे ऊँचे है, क्योंकि मैंने ये सिटी यार पहली बार ही देखी है कि अपन भिलवाड़ा में ऐसे फ्लैट नहीं है। बहुत अच्छा लगा, देखो महंगी महंगी होटलें हैं और बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। तो मज़ा आ गया मुझे ये सिटी का व्यू देखकर। तो आपको कैसा लग रहा है ये व्यू? आप भी पहली बार देखे हो तो यार एक बार कमेंट करके बताइए प्लीज़ ज़रूर। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं सूरत के अंदर अंबा माता का मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। ये देखिए, ऊपर जा रहे हैं गणेश भैया और ये आंटी जी और भैया हमारे साथ आए थे। ये गणेश जी हैं। ये अंबा माता का मंदिर है, ये सूरत का सबसे बड़ा और फेमस स्थान है। तो हमने दर्शन कर लिया, ये माता जी का मंदिर है अंबा माता, जो कि सूरत में फेमस है। ये मंदिर सूरत का सबसे बड़ा मंदिर है। अब हम ऐसे ही घूम रहे, प्रतिमा दे रहे माता जी के, अंबा माता। इतना मुस्कुरा के रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही माता जी का आए तो खुशी होगी ना यार। हाँ भाई यार, ये माता जी का मंदिर, यहाँ पर बहुत सिद्धार्थ भी आते हैं। पर अभी क्या, हम लेट हो गए, आरती बहुत अच्छी होती है, हम लेट हो गए थोड़ा छुट्टी में भी। यहाँ की आरती में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है यार, दिल खुश हो जाता है दिल, बिल्कुल ठंडा। राम सीता का मंदिर है, सीता राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए माता रानी के, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। खड़ा यहाँ पर भी स्थान है माता रानी का, यहाँ पर भी चलते हैं। भी सीन है ना, देखो ये इधर का सीन ऐसा है। ये शेर है और ये हकल से बांध लगा है शेर को, स्टैचू है ये इधर। ये मंदिर है इधर, ये पार्किंग है, हमारी कार इधर ही पड़ी है। तो दोस्तों, हमने दर्शन वर्शन कर लिए और ये कार है भैया लेके आए, और इसमें हम बैठेंगे अब। तो दोस्तों, अगले दिन सुबह हुई और हम ऐसे घूमने निकल गए बाइक से। तो यह है अपना मिनी बस का स्टैंड है, और ऐसे हम रोड पर सिटी का व्यू देखने के लिए बाइक से निकल पड़े, मैं और मेरा दोस्त और एक और भाई था हमारे साथ। तो बहुत ही आनंद लेते हुए जा रहे थे। देखो सिटी का व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। मुझे एक चीज़ यहाँ लगी कि ये बहुत ही क्लीन सिटी है, बहुत ही क्लीन सिटी है। हम देखो एंजॉय कर रहे थे, एक भाई को हमने पीछे ही छोड़ दिया और हम दोनों ऐसे गाड़ी पर बैठकर घूम रहे थे। देखो पूरा एंजॉय है, एंजॉय है। मतलब यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, और मेन चीज़ मुझे ये लगी है ब्रिज की, ब्रिज बहुत ही अच्छे लगे यहाँ के। यहाँ के ब्रिज बहुत ही लेवल, एक लेवल है ब्रिज का, मतलब ब्रिज पर ब्रिज है, ब्रिज पर ब्रिज है यहाँ पर। तो बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पर, जोरदार सीन है यहाँ का। सूरत तो मतलब सपनों का शहर है, स्मार्ट सिटी, सन सिटी सूरत, सपनों का शहर है। तो यहाँ पर तो मज़ा आएगा ना यार, वो जो दे देखो सिटी बस जा रही है, ऐसे सिटी बस चलती है। आपने पूरा मोटा जिला में चल रहा, मतलब बड़ी बड़ी सिटियों में सिटी बस चल रहे, आपने टेम्पू ने चल रहा, कोई 10 रुपये ले रहे हो, कोई 25 मांग रहे हो, 40 मांग रहे हो, निशान हुआ लूटा है। तो यार ब्रिज का नीचे निकल गया मैं, भैसा वाड आ गया, वो रोको 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 डोल, वाह वाह बच गया मैंने, कुल मिलान अब निकल गया।
वो भीड़ भीड़ निकल गया। अब ये आ गया सिटी में, सिटी देखो जो व्यू है, ये है वेसू, वेसू सूरत का अंदर है वेसू। वेसू बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पर वेसू के अंदर बहुत सारे नगर हैं और यहाँ पर बिल्डिंगें बहुत ज़ोरदार है, फ्लैटें बहुत हैं यहाँ पर, देखो रोड वोड सब चीज़ बहुत ज़ोरदार है यहाँ की। तो वेसू के अंदर चले गए हम और अब हम जा रहे हैं खाना खाने होटल के ऊपर, मतलब होटल के अंदर। तो निकल गए हैं, सिटी का व्यू देखते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो रोड कितने क्लीन है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल आपको दिख रहे हैं, क्लीन सिटी है। और मुझे तो सबसे अच्छी फ्लैटें लगी, मतलब सन सिटी, स्मार्ट सिटी सूरत की फ्लैटें बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों हम चलते चलते आ गए, ये है मिनी गोवा। मिनी गोवा यहाँ पर नारियल के पेड़ है, यहाँ पर बहुत शूट होते हैं, इंस्टाग्राम रील बहुत बड़े बड़े स्टार यहाँ पर शूट करने आते हैं, जैसे रोहित है, नीता है, मतलब सूरत के जितने भी स्टार हैं वो यहाँ पर तो आती हैं शूट करने। इसे मिनी गोवा कहते हैं, सूरत का मिनी गोवा है, बहुत बड़ा नज़ारा है। हम भी जाएँगे यहाँ पर शूट करने, बहुत अच्छा नज़ारा है ये मिनी गोवा का। और ये आगे देखो, आगे आ गई फ्लैटें आ गई, हेलो दोस्तों हम सूरत की मेन सिटी के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर इधर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम खाना आना खाएंगे भाई। और ये इधर मेन सिटी है, इधर का व्यू है वो। हेलो गाइज, हमने खाना वाना खा लिया और हम आए हैं यहाँ पर मोंटेसा राजन्स बीच के इधर आए हैं। बहुत ही ज़ोरदार सीन है यहाँ का, ये देखिए बिल्डिंग और ये इधर का व्यू है। दोस्तों यह है सूरत का सबसे बड़ा और फेमस होटल है द मोंटेसा। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शूट करने आते हैं। रोहित ने यहाँ पर कितनी रीलें और पोस्टर शूट किए हैं, बहुत ही फेमस है यहाँ का। और इस होटल का मालिक राजस्थान का है, मोखुंडा का है वो। हाँ उधर है ना वो। तो भाई लोगों, मैं वहाँ पर दो चार दिन रहा और फिर रवाना हो गया वापस राजस्थान के लिए। अपना राजस्थान तो भीलवाड़ा तो अपनी जान है, तो फिर वापस रवाना हो गया। और पहले मैं गया तब तो ट्रेन से गया और अब हमने बस का टिकट कटवाया है, तो स्लीपर में मैं जा रहा हूँ। अंकल जी छोड़ने आ रहे हैं मुझे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर। वो बता रहे हैं यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेज है और ये मतलब कुछ बिल्डिंग विल्डिंग है और बहुत ही ज़ोरदार सीन है यहाँ का। देखो ब्रिज बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ पे। गाइज मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड। पहले आया तो ट्रेन में आया था और अब आ रहा हूँ मैं बस के अंदर, स्लीपर के अंदर। भाई ट्रेन में बड़ा भीड़ घनी है, जगह ही ना मिले जो मेरे को आराम होता होता चाल। तो बस का हमने टिकट कटा लिया है, ये अड्डपुरी जेब में जो है, और अब हम बैठेंगे बस के अंदर। तेजे ट्रैवलर्स है, अपने ट्रैवलर्स का नाम है। ये है सूरत का स्टेशन, ये इधर पीछे बसें पड़ी है सारी और इधर है कुछ होटल वोटल, ये बसें जाती है, कोई तो महाराष्ट्र जाते हैं, एमपी, मतलब पूरे इंडिया में जाती है। तो हमें जाना है भीलवाड़ा, भीलवाड़े की बस से पड़ी है वो, अब हम जा रहे हैं भीलवाड़ा। हाय हाय हाय। तो हेलो गाइस, अब हम ट्रैवलर्स में बैठ रहे हैं भीलवाड़ा के लिए। तो ड्राइवर साहब, तो हमने पहला बुक कराया ये स्लीपर, इसके अंदर आप बैठेंगे। टन टन बस हकने वाली है।
और ये भाई साहब और हमारे हंडे जोड़ी वाला, ये वीडियो देख रहे आपने। अब हम दो जने हंडी जाओ आराम मस्त मजा लेता था हिसाब कटागा दे ना तू रहवा दे इन्हें बंद कर गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों हम उदयपुर के अंदर आ चुके हैं और हाईवे पर हमारी गाड़ी फंस गई है। ये इधर देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक लग रहा है। तो ऐसा माहौल बनता है यहाँ पहाड़ बहुत। अब खुला है ट्रैफिक तो इधर लग रहा है ट्रैफिक होटल है बताए कौन सी होटल है। दोस्तों ये है उदयपुर, ये है उधर उदयपुर का रेलवे स्टेशन। पड़ी है उदयपुर सिटी। स्टेशन उदयपुर का। चित्तौड़ का सर्किल है और वह उधर है किला। अब हम जा रहे हैं भीलवाड़ा, अमीरगढ़ उतर जाएंगे रास्ते में। तो दोस्तों अब सूरत से आ चुके हैं हम और इधर चित्तौड़ से आए थे बस में बैठकर और इधर भीलवाड़ा है तो यहीं से बैठे थे सूरत के लिए और यहीं आकर उतर गए। गए तब ट्रेन में गए आए तब बस के अंदर आए। तो वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा आपको तो व्लॉग को लाइक करो शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और ये अपना विलेज का आ गया है इधर, ये अमीरगढ़, ये हमारा विलेज गाँव इधर इधर है बर्डोन। ओके बाय।